की तरफ से काफ़ी सारी अपडेट आ रही है। डी ट्रिपल एस बी ने एक आंसर की जारी की है और दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सभी डिटेल्स एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन सी आंसर की जारी की है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ड्राफ्ट आंसर की फॉर फाइलिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हेल्ड ऑन 26, 29, 30, 31 जुलाई 2021 फॉर वेरियस पोस्ट कोड। तो देखिए 26, 29, 30 और 31 जुलाई को जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुए थे उनकी ड्राफ्ट आंसर की जारी कर दी गई है। और अब आप इन पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर, उसके बाद आप आंसर्स देख पाएंगे और ऑब्जेक्शन लगा पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन डेट पर कौन से एग्जाम थे जो हुए थे। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास, 26, 29, 30 और 31 जुलाई को जो एग्जाम हुए थे। जैसे 26 जुलाई को हुआ था डोमेस्टिक साइंस टीचर, टेक्निकल असिस्टेंट आर्किटेक्चर, टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद हुए थे पीजीटी के एग्जाम, जैसे कॉमर्स फीमेल, ग्राफिक्स मेल, उसके बाद है पीजीटी होम साइंस, ये सभी एग्जाम हुए थे 26, 29, 30 और 31 जुलाई के। इन सब की जो है आंसर की जारी कर दी गई है और अब आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो। तो चलिए अब देखते हैं, दो और नोटिफिकेशन जारी किए हैं डी ट्रिपल एस बी ने। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 5 अगस्त 2021, अभी थोड़ी देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर से संबंधित, और इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। पोस्ट कोड 12/20। द डी ट्रिपल एस बी वाइड इट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/20 विथ क्लोजिंग डेट 6 फरवरी, हैड एडवर्टाइज 10 वैकेंसीज। तो देखिए इसकी 10 वैकेंसीज थी टोटल। द रिटर्न एग्जाम Tier 1 फॉर रिक्रूटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पोस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन 23 अप्रैल। इसका Tier 1 का एग्जाम ऑनलाइन मोड में 23 अप्रैल को हुआ था। मार्क्स ऑब्टेंड बाय 123 कैंडिडेट्स अपियर्ड इन रिटर्न एग्जाम हेल्ड ऑन इतना हैव बीन अपलोडेड। तो देखिए 123 कैंडिडेट के जो मार्क्स है अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पर। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड इक्वल एंड मोर देन क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी। तो यानी जो है कट ऑफ जारी करी है यू आर के 83.5, बाकी के आप देख सकते हैं। द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव मेंशन्ड पोस्ट आर हेयर बाय इन्फॉर्म टू फिल द ई डोजियर एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो देखिए अब जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनको ई डोजियर और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। काइंडली नोट दैट द ई डोजियर लिंक विल बी एक्टिवेटेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड टू अपलोड ई डोजियर। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव शॉर्ट लिस्टेड फॉर फॉलिंग इन कंसिडरेशन जोन ऑफ सिलेक्शन मस्ट अपलोड ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। द ई डोजियर लिंक विल बी एक्टिव फॉर 15 डेज। तो 15 दिन का आपके पास समय है, 6 अगस्त से 20 अगस्त तक आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और ई डोजियर अपलोड करने हैं। द अबव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर ऑल्सो बींग सेपरेटली इन्फॉर्म थ्रू SMS। तो जिनके पास SMS आया है वो सभी शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, उन्हें अपने ई डोजियर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपलोडिंग ई डोजियर मस्ट अपलोड ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स। तो दोबारा से रिपीट की गई है बात, आप देख सकते हैं 5 अगस्त का ये नोटिफिकेशन है। तो रिजल्ट जारी कर दिया गया है जूनियर टेलीफोन ऑपरेटर का। तो चलिए अब दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं। ये एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है 5 अगस्त 2021, नोटिस नंबर 1207, फूड सेफ्टी ऑफिसर, पोस्ट कोड है 8/17 इन डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी GNCTD। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द नोटिस 1188। द ई डोजियर ऑफ द कैंडिडेट हैविंग फॉलोइंग रोल नंबर हैव बीन फाउंड डेफिशिएंट। तो देखिए जो जिनके रोल नंबर दिए हैं इनके ई डोजियर जो है कंप्लीट या अच्छी तरह से अपलोड नहीं हुए हैं, तो जिनके भी रोल नंबर दिए हैं Tier 1 और Tier 2 के रिमार्क्स आगे दिया है, पढ़ लीजिए। कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड OBC सर्टिफिकेट। तो ऐसे इन्हें जो अपने डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है वो ठीक करनी है। द अबव सेड फॉर कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू अपलोड पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इन्हें अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कब तक कर सकते हैं। द ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 5 अगस्त टू 14 अगस्त। तो 5 अगस्त से 14 अगस्त तक का इनके पास समय है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी अपडेट DSSB की तरफ से जो इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा रही है।